तो भाई हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? बढ़िया। तो अभी हम जा रहे किधर? तो कल बस उसकी तैयारी है, कल लंगर है। तो लंगर की प्रेपरेशन के लिए अभी हम जा रहे हैं, चॉपिंग वॉपिंग करेंगे, जो वेजीज डालनी है लंगर के लिए। तो मैं बोला इस बार चलो पंजाब में तो फिर लंगर भी दिखा देते हैं भाई, वो भी दिखाना ज़रूरी है। मुंबई में तो मतलब इतना मनाते लेकिन इतना नहीं, पंजाब में तो फिर तो बनता है इस बार। तो इसलिए बोला इस बार स्पेशल डे है तो फिर आप लोग को दिखाना ज़रूर बनता है। तो अभी हम जा रहे, बस पूरी तैयारी चल रही है वहाँ पर लंगर की, तो आप लोग को दिखाते सुबह 6 बजे और सुबह 6 बजे लंगर भी चलेगा तो फिर वो भी दिखाएगा आप लोग को। तो बने रहिए, चलते फिर दिखाते आप लोग को लंगर की तैयारी, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो दिखाया फिर पब्लिक को भाई लंगर की तैयारी चल रही है। नमस्ते जी। तो भाई दोस्तों ये देखो, और ये तैयारी कल सुबह लंगर की। पूरी कटिंग वटिंग सब सब्जी भी रखी है। ये भी रात भर चलेगी तैयारी भी? ये अभी 2 घंटे चलेगी। अच्छा, फिर सुबह 4 बजे से तैयारी चालू हो जाएगी फिर पूरा एकदम। फिर किधर कहाँ जाएगी अपन सुबह? नितिन पर्चा। फिर सुबह मतलब किधर? पूरा गुरुद्वारा जाएगी अपन? नहीं, यहीं पे पूरा इधर साइड में। अच्छा, इधर पूरा चौक पे पूरा लगाएगी। चलो सुबह फिर दिखाएगा और भी अच्छे से। आ गए लंगर की तैयारी कर कर, अभी इधर अपनी तैयारी चल रही है। पब्लिक फुल एकदम चल रही है। मूंगफली ना, मतलब क्या पता इधर कुछ अलग बोलते हैं, सिंगदाना। हमारे यहाँ सिंगदाना बोलते हैं, सिंगदाना मूंगफली। ठंडियों में एक्चुअली यहाँ पर बहुत खाते हैं सिंगदाना मूंगफली। ये देखो भाई सिंगदाना, इंगदाना की फुल एकदम मस्त मजा आ रहा है ठंडी में एकदम। तो भाई गुड मॉर्निंग एवरीवन, बज रहे सुबह के 8 और हमें जाना था 4 बजे। बज रहे सुबह के 8 और मैं बोल रहा था हाँ हमें जाना था सुबह 4 बजे, लेकिन हिम्मत ही नहीं थी भाई। इतना ठंडा, मतलब इधर इस तरफ तो और ही ज़्यादा ठंडी, मतलब इधर भी हम लोग आए। तो अभी जा रहे हम लोग नगर कीर्तन के लिए। नगर कीर्तन अभी मतलब सुबह 4 बजे से तैयारी चल रही थी फिर। तो अभी उनका फ़ोन आया कि अभी आ जा, तो फटाफट उठे हम लोग, रेडी हुए, अभी जा रहे। और अभी पटाखे भी फूट रहे भाई। तो अभी जाके नगर कीर्तन के उधर, इधर लंगर भी चालू होने वाला है, तो मिलते हैं और आप लोग को दिखाते हैं। भाई दोस्तों ये देखो फुल तैयारी चल रही है। क्या बन रहे अभी? पुलाव, ये चावल बन रहे। अच्छा, तो इधर पूरे लंगर की तैयारी चल रही है भाई दोस्तों एकदम। पूरे चावल बन रहे पूरे एकदम पुलाव के लिए। ओके, और इधर क्या बन रही? इधर सब्जी है इधर ना जी। ये देखो पूरा एकदम वो अभी मिक्स हो जाएगी, मिक्स करेगी फिर पुलाव। बढ़िया है, ये तो पब्लिक रेडी है अभी पूरा लंगर चालू करने के लिए। ठीक है जी,
रही तैयारी। हाँ, और ये इधर पूरे सब पटाखे फोड़ रहे हैं भाई दोस्तों, देखो तो पूरी नगर कीर्तन की तैयारी चल रही है। एक्चुअली नगर कीर्तन है आज तो उसी तैयारी चल रही है, उसमें पटाखे फूट रहे। देखो कैसे पटाखे फूट रहे सब। भाई दोस्तों आगे जीवन मुख्य वीर आ गया भाई, तैयारी चल रही पूरी है सब भाई, भाई लोग पूरा बनाने की। भाई सब तैयार है पूरा, भी मिक्स कर रहे चावल भाई, पुलाव बना रहे। नगर कीर्तन तैयारी चल रही है भाई, वीडियो खींचने के लिए सब, और इधर से भी सब लंगर चालू होएगा। चारों लंगर की तैयारी पूरी एकदम पूरी जोर शोर से आएंगे। ये देखो चालू आगे नहीं, पब्लिक टूट पड़ी एकदम। देखो पब्लिक अंदर खाने के लिए, देखो ये
एक दोस्त तो हो गया, एक लंगर खत्म, दूसरी की तरफ जा रहे हैं। दूसरी की तरफ जा रहे हैं, 15 से 20 मिनट लगे खत्म होने में, एकदम मतलब हो गया था। जैसे ही लंगर चालू किया पब्लिक ऐसे टूट पड़ी एकदम, मतलब वो तो होता ही है एकदम, मतलब और 15-20 मिनट में एकदम सपाटन। सबसे अच्छी बात ये होती है कि खत्म हो जाता, मतलब वेस्ट नहीं होता, तो वो बहुत अच्छी बात है। तो अभी यहाँ पर ये बोल रहे, यहाँ पर आलू टिक्की वाला लंगर चल रहा है, टिक्की लगी टिक्की, तो अभी टिक्की उधर आलू टिक्की देखने जा रहे हैं हम लोग लंगर, वो जाते और आप लोगों को दिखाते। वैसे काफी मजा आ रहा है, ठंड अच्छी है, बढ़िया मस्त एकदम, ठंडी के भी नजारे लिए जा रहे और लंगर के भी। तो मिलते हैं आप लोगों को टिक्की वाला लंगर दिखाते बने रहे। वही देखो ये सब जा रही भाई पब्लिक, उधर चावल पुलाव वाला लंगर था, अभी पुलाव वाला लंगर खा के पब्लिक आगे बढ़ ली सब आलू टिक्की का लंगर खाने के लिए। ये देखो सब कितनी भीड़ आ गया, ये देखो दोस्तों आलू टिक्की वाला लंगर चल रहा है इधर। तो ये देखो दोस्तों आलू टिक्की बकरी भाई लंगर में, दोस्तों पीछे देखो टिक्की का भी लंगर हो गया खत्म, टिक्की बटरी थी बढ़िया और हमने पार्सल भी ले ली और खा भी ली, फिर घर जा रहे, घर जा रहे भाई। घर पे भी और भी सदस्य, मेरे भाई पे बुआ जी भाभी जी, उनके लिए वो भी खा लेंगे टिक्की, टिक्की के मजे ले लेंगे, तो मजा आ गया भाई काफी, चमचमाती ठंडी में गर्म गर्म टिक्की भी खा ली, पुलाव भी खा लिया भाई, और अभी जा रहे घर, घर पर खिलाते और उन लोग को देखते रिएक्शन कैसा देंगे वो भी, वो मिलते आप लोगों को थोड़ी देर में। तो बने रहिए और एंजॉय करते रहिए और टिक्की के मजे लेते रहिए भाई। तो दोस्तों यही देखो थोड़ी देर पहले पुलाव का लंगर चल रहा था और अभी पूरा सन्नाटा है। अभी हम जा रहे जहाँ कल रात को हमने पुलाव बनाया था भाई, पूरी तैयारी की थी, तो अभी जा रहे इस तरफ। देखो ये भी पूरा भी सब पब्लिक फ्री हो गई पूरी, पुलाव वाला बना के लंगर इंगर बांट के सब एकदम मस्त। इधर देखो बर्तन एकदम धो के साफ सफाई करके पूरा एकदम हो गया। चलो जाते, बाय बोल बाय बाय, चलो मजा आया काफी, अगली बार फिर गेड़ा मारेगी, बाय आज यही रह जाएगी तू, बोल दे बाय, चलो बाय बोलो बुआ जी, चलो बाय बुआ जी, बुआ के बुआ ना फोटो खींचो, मिलते हाँ, बढ़िया काफी मजा आ गया। अभी जा रहे घर, हेलो हाय, चलो तुझे भी करो, हेलो हेलो करो, हेलो एक दीदी, चलो जोनी वीरा, काफी मजा, वीरा सो गया था, अभी चल रहे हम, नींद होगी पूरी, सुबह उठ गए थे ना 4 बजे, मेरे को भी तो अभी भी नींद आ रही है, एक तो पराठे खा लिए, हैवी हो गया काफी, चलो चलते फिर मिलते आप लोगों को बाद में।
वो चाय पत्ती से रंगे होता है, रंग लगा, ये प्योर देसी अंडा है, ये प्योर देसी अंडा है, खाओगे तो निहाल हो जाओगे। प्योर अंडा है ये, 30 का है और वैसे नॉर्मल अंडा बड़ा लगता है 5-8 जैसे हो जाओगे। तो भाई दोस्तों ये अभी रुके हम लोग कहां पर, ये देखिए जूस पीने, जूस पीने रुके, यहाँ पर बन रहा है एकदम ताजा ताजा संतरे, ओम संतरे मौसमी का जूस। किन्नू एकदम ताजा ताजा जूस बन रहा भाई, भाई दोस्तों काफी मजा आ रहा है यार, एकदम मस्त ठंडी एकदम चमाती एकदम मस्त। देख लिया आपको मौसम लग ही रहा था, कितने बज रहे, 1:45 और मौसम देखिए भाई कितना मस्त हो रहा है, एकदम धूप बिल्कुल भी नहीं है और एकदम मस्त। पीछे देखो कलरफुल कितना अच्छा लग रहा है, मौसम भी और अपना ऑरेंज और ये ग्रीनरी और व्यू भी एकदम मस्त है, क्या हवा चल रही ठंडी ठंडी एकदम। तो हेलो बोलो, हेलो किधर जा रहे हैं अभी घूमने, पीवीआर ओ तेरी, ये देखो इसको अभी लाए छोटू लेने, बेचारा और हो रहा है, देखो देखो इसको लेने है, इसको जा रहे घुमाने और हो रहा है, उसको भी जाना है घूमने, बोलता है मेरे को भी घुमाना है, मेरे को भी घूमने जाना है, वही जा रहे हैं। गंध पे कितने नहीं नहीं ये बने, नया बना है पीवीआर, ये पीवीआर नहीं वो, देखो अभी आपको ऊपर मॉल में दिखाएगा, अभी बर्गर खिलाएगा, देखो बर्गर पॉइंट लेके जाएगा आपको ऊपर, वो देखो उधर से पीवीआर गेट आया, अभी ऐसे बाहर जाते हैं, इधर से ऐसा एंट्री होगी अंदर पीवीआर के, देखो ये पार्किंग एरिया है, चलो पार्क करो और फिल्म देखें अंदर पीवीआर में, इसको फिल्म देखना है पीवीआर में, बर्गर खाओगे ना, चलो फिर चलो उतरो आगे, पीवीआर आगे अपन, हाँ पीवीआर आगे, फिर पीवीआर पहले गए हो आप, किधर कैसा है फिर पीवीआर, अच्छा है, अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, अच्छा है, फिर उतरना नहीं है क्या, मत पता है दीदी आ रहे हैं अरे उन्होंने लेके चल देना। चलो किधर आ गए, इधर कहाँ जाना है, तो भाई दोस्तों अभी जा रहे हैं इसको खिलाने आइसक्रीम, अभी इसके आइसक्रीम की वीडियो भी बनाते जा रहे हैं, इसको तेनू अगे बह के की मिलता, नजारा की नजारा की अगे बह के फुल नजारा मिलता, अगे बह के फुल नजारा मिलता, नजारा भाई दोस्तों ये बन रहा है अपना जोनी वीरा का घर,
अभी काम चल रहा है, कम से कम इसको लग जाएगा 2-3 महीना। अभी खड़े ही थे उधर टेरिस पर, काम देख रहे हैं और मौसम देखो आप लोग कितना बढ़िया हो रहा है यार। 2-3 दिन से धूप भी नहीं निकली, एकदम मस्त ठंडा ठंडा बैठे सब, एकदम मस्त पूरे नज़ारे ले रहे बाहर एक। तो भाई यहाँ इधर यही मजा आता है यार ठंडियों में, अपन ऐसे बाहर छत पे बैठ जाओ और अपना मस्त नज़ारे लोगे मौसम के धूप से को, लेकिन फिलहाल अभी धूप है नहीं तो मज़े आ रहे पूरे एकदम मस्त। ऐसा जैकेट वैकेट पहन लो और फुल इंजॉय करो। तो अभी इन लोगों का खाने का प्लान बन रहा है, लोग सोच रहे देखो पीछे बैठ के क्या खाए, कुलचे खाए, छोले भटूरे खाए फिर से या नान खाए, देख रहे अभी जो भी प्लान बनता आप लोगों को बताते हैं। कल हमने छोले भटूरे खाए थे भाई, क्या टेस्टी छोले भटूरे। तो कल मेरा फ़ोन बंद हो गया तो मैं रिकॉर्ड कर नहीं पाया, जो भी प्लान बनता आप लोग को घुमाते और बताते हैं। तो बने रहिए और इंजॉय करते रहिए। तो भाई दोस्तों अभी तो ये बन रही है, ऐसा जब एक बार पूरी कंप्लीट हो जाएगी बन जाएगी फिर आपको फिर से दिखाएंगे एक बार कैसी लग रही है बन के। अभी चल रहे हम लोग फिर से अभी खाना खाने घूमने। तो भाई दोस्तों अपने साले साहब बना रहे आज साग और मक्के की रोटी। ये देखो साग और मक्के की रोटी बनाई भाई इन्होंने, वो भी देसी घी के साथ। तो हो तो जोनी वीरा खा रहे, कैसा लगा कैंट? बहुत शानदार, तो धोने गिरा तो मजा आ गया। ये लो, रोटी दे दो उनको पहले, मैं दूसरा ले लेता हूँ। लो लो आप, चलो आप रुको मत। तो मैं भी इनसे टिप्स लूँगा, अभी सीखूंगा कैसे बनाते हैं। ये देखो भाई साग और मक्के की रोटी, आटा भी इन्होंने गूंदा है, देखो गरम गरम। क्या बात है भाई, क्या बात है, नजारे पूरे बहुत टिपिकल है ये बनानी रोटी, सिंपल रोटी से बहुत मुश्किल लगती है ना। वो भाई डाल दिया उन्होंने भी, ये ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी मेरे को थोड़ी, मतलब क्योंकि आटा गूंदना भी एक अलग टास्क रहता है, चाहे ज्यादा हो ना हो जाए, मतलब गीला कभी कड़ा कैसा, फिर वो भी एकदम ऐसी गोल रोटी बनाना भी बोलो हाथ से, इससे कोई इसके लिए कोई बेलन नहीं लगता है, ये हाथ से गूंदनी पड़ती है। अच्छा हाँ, बिना बेलन के गूंदना पड़ता है। क्या बात है, राउंड डो लिया और नीचे बटर पेपर या पॉलिथीन यूज कर सकते हो आप। अच्छा उसको बस स्टैंड से प्रेस करो, घूमता रहता है वो, ट्विस्ट होगा। क्या बात है, हाँ से राउंड शेप में लगा, मतलब फुल एकदम ढाबा स्टाइल वाला। हाँ भाई दोस्तों सब टैलेंटेड है भाई, इधर टैलेंट की कोई कमी नहीं है, खाने में भी और दूसरी चीज़ों में भी। तो हम भी सीखेंगे भाई रोटी बनाना, थोड़ा बहुत खाना बना लेते, मतलब भाजी वीजी सब्जी रोटी सीखना, आटा गूंदना, रोटी बनाना। तो अभी बस अभी मेरी बारी भी, मुझे देखो मैं टेस्ट करके बताता हूँ कैसे बनाए, बना तो मज़ेदार ही दिख ही रहे, खा के मिलते आप लोग बने के लिए। तो भाई दोस्तों ये आ गया अपनी मक्के की रोटी और ये सरसों का साग, वो भी मस्त एकदम देसी घी के साथ। तो भी खाते हम लोग और फिर मिलते हैं आप लोग को थोड़ी देर में, बने रहिए। तो भाई दोस्तों साग रोटी खा के सब हो गए मस्त एकदम लंबा लेट, और अभी हम भी होते लंबा लेट, ठंडी भी हो रही है काफी मस्त। तो इस ब्लॉग को करते हैं खत्म और सोते हैं और मिलते हैं आप लोग को अगले ब्लॉग में। जब तक के आप लोग विश्वास करिए, मत करिए और इंजॉय करते रहिए और सो जाइए। गुड नाइट और गुड नाइट।